हमारी दुनिया अध्याय 11 केरल राज्य से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नोत्तरी आपके समक्ष प्रस्तुत कर रहा हूं। केरल की राजधानी तिरुवनंतपुरम है। तो तिरुवनंतपुरम किस राज्य की राजधानी है? तो केरल राज्य की। दूसरा प्रश्न देखिए, गॉड्स ऑन कंट्री जो कहा जाता है वह केरल राज्य को कहा जाता है। तो गॉड्स ऑन कंट्री किस राज्य को कहा जाता है? केरल राज्य को। तो केरल राज्य को अन्य किस नामों से भी जानते हैं? तो गॉड्स ऑन कंट्री के नाम से। तीसरा प्रश्न है कि केरल के पूर्वी दिशा में जो नीलगिरी की पहाड़ी और अन्नामलाई की पहाड़ी अवस्थित, तो केरल के पूर्वी दिशा में नीलगिरी की पहाड़ी एवं अन्नामलाई की पहाड़ी अवस्थित है। चौथा प्रश्न है, केरल के पश्चिमी दिशा में अरब सागर है। केरल के पश्चिमी दिशा में अरब सागर है, यानी अरब सागर के किनारे है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न अरब सागर से क्या पूछा जाता है कि अरब सागर मुंबई किस सागर के किनारे बसे है? तो अरब सागर के किनारे। आप यहाँ भी देखिए कि केरल के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? अरब सागर है। केरल के पश्चिम दिशा में कौन सा सागर है? अरब सागर है। अगला प्रश्न है कि भारत में मानसून की शुरुआत केरल से ही मानी जाती है। तो भारत में जो मानसून आते हैं वह कहाँ से शुरुआत मानी जाती है? केरल से। अगला प्रश्न है, केरल का वार्षिक ताप अंतर यानी वार्षिक ताप का अंतर कितना है? 2 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस तक माना जाता है। अगला प्रश्न है कि केरल में शीत ऋतु का तापमान, शीत ऋतु में जो होता है ना, शीत ऋतु में केरल का जो तापमान होता है वह 23 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है, और गर्मी के मौसम में यानी ग्रीष्म ऋतु में 32 डिग्री सेल्सियस पाया जाता है। केरल की जलवायु कैसी है? तो सम है, और सम जो पाया जाता है इसका जलवायु, इसमें उष्ण आद्र नमी पाया जाता है, उष्ण आद्र नमी वाली जलवायु पाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ का जलवायु कैसा है? सम। केरल में मई से नवंबर तक वर्षा होती है। केरल में जो है वर्षा जो होती है वह मई से नवंबर के बीच होती है। अगला प्रश्न है, केरल में जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा होती है। तो केरल में जो वर्षा होती है वह कितनी होती है? 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। केरल की जलवायु जो होती है वह उष्ण आर्द्र मानसून वाली होती है। तो केरल की जलवायु सम था, क्योंकि उष्ण भी बराबर आर्द्र भी बराबर दोनों होते, इसलिए सम जलवायु पाया। यानी केरल की जो जलवायु है उष्ण आर्द्र मानसून वाली जलवायु होती है। आगे है कि केरल प्रदेश का 1/4 यानी 1/4 भाग जो है वन से आच्छादित है। तो यानी केरल प्रदेश का जो क्षेत्र है वह 1/4 यानी 1/4 भाग से वन से घिरा हुआ केरल राज्य है। केरल जो है में सघन सदाबहार वन पाया जाता है, यानी यहाँ पर सघन सटे सटे वृक्ष पाए जाते हैं, जिसके कारण यहाँ इतने सटे होते कि ये घना हो जाता है, जिसके कारण यहाँ की पत्तियों सालों भर गिरा हुआ नहीं रहता है। कि मौसम जब बरसात का है तो पत्तियाँ आ जाती है और अन्यथा पत्तियाँ नहीं, लेकिन यहाँ सालों भर पत्तियाँ रहती, इसीलिए यहाँ पर सदाबहार वन पाए जाती है। सदाबहार वन के अंतर्गत जो केरल राज्य में वन पाए जाते हैं, वन के वृक्ष होते हैं, वह सागवन है, चंदन है, सुपारी है, नारियल है, रबर है, बांस आदि पाए जाते हैं। तो केरल में सदाबहार वनों के अंतर्गत कौन कौन से? सागवन पाए जाएंगे, चंदन पाए जाएंगे, सुपारी पाए जाएंगे, नारियल पाए जाएंगे, रबर पाए जाएंगे, बांस पाए जाते हैं। यहाँ एक चीज़ आपको ध्यान दिलाना चाहेंगे कि ये जो सुपारी नारियल रबर यह मुख्य फसल के भी अंतर्गत आता है। मुख्य फसल के अंदर ये सारे चीज़ वहाँ का मुख्य फसल होता है, जिसका उत्पादन करके वो लोग अपना जीवन निर्वाह करते हैं। साथ ही साथ केरल जो है कृषि प्रधान राज्य है, और यहाँ पर जो है
साक्षरता दर सबसे अधिक पाया जाता है। साक्षरता दर सबसे अधिक किस राज्य की है? तो केरल राज्य। और केरल राज्य जो है कृषि प्रधान राज्य है। यहाँ की 50% यानी आधी आबादी, केरल के कुल आबादी में से आधा आबादी यानी 50% लोग जो है कृषि कार्य में लगे हुए हैं, कृषि कार्य में लगे हुए हैं। केरल में मुख्यतः जो होते हैं वह चावल, नारियल, काली मिर्च, कहवा, काजू, इलायची, सुपारी, रबर, ठीक है, रबर होते हैं, साथ ही गरम मसाला की खेती के लिए प्रसिद्ध है। फिर आप देखेंगे केरल का मुख्य खाद्य फसल जो है वह चावल है, मुख्य जो खाद्य फसल है वह भी चावल है। साथ ही साथ देखेंगे केरल में एक वर्ष में धान की जो फसल उगाती है चार फसल, एक वर्ष में धान की चार फसलें केरल में उगाई जाती है। केरल में मुख्य धर्म जो है वह हिंदू, ईसाई और इस्लाम धर्म रहते हैं। अगला 21वां क्वेश्चन है कि विश्व का प्रसिद्ध नौका दौर, विश्व में जो प्रसिद्ध नौका दौर है वह केरल का ही प्रसिद्ध है। तो नौका दौर कहाँ का विश्व प्रसिद्ध है? तो केरल राज्य का। केरल का नृत्य नाटिका जो है, केरल का जो नृत्य नाटिका है वह कथकली है, कथकली है जो विश्व प्रसिद्ध है। तो कथकली कहाँ का नृत्य नाटिका है? केरल राज्य का। केरल राज्य का कथकली जो है नृत्य नाटिका है। और अगर नृत्य पूछेगा तो मोहिनी अट्टम है। तो केरल का मुख्य नृत्य कौन सा है? मोहिनी अट्टम है। मोहिनी अट्टम जो है यहाँ का मुख्य नृत्य है। मलखम्ब जो है एक खेल है, मलखम्ब जो है एक खेल है जो केरल का मुख्य खेल माना जाता है। केरल का मुख्य खेल मलखम्ब को माना जाता है। केरल का जो मार्शल आर्ट है वह कलारी पैयट है, यहाँ शब्द गलत लिख दिया, कयारी पैयट है। सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में ही अवस्थित है, सबरीमाला मंदिर जो है वह केरल में अवस्थित है। आगे है कि भारत के केरल राज्य जो है वहाँ साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो केरल भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी साक्षरता दर सबसे अधिक है? तो वह राज्य है केरल। भारत का कौन सा राज्य साक्षरता दर के मामले में सबसे अग्रणी है? तो वह केरल राज्य है। भारत के केरल राज्य में ही चिकित्सा के क्षेत्र में नर्स सबसे अधिक पाई जाती है। यानी केरल प्रदेश के जो लोग हैं वह समाज सेवी होता है, इसलिए वह नर्स के रूप में सबसे अधिक अपना सहयोग प्रदान करता है और इस सहयोग के साथ ही वह समाज की भी सेवा में संलग्न रहता है। केरल के तटीय भागों में मोनोजाइट, जिरकन, थोरियम, यूरेनियम आदि जो है तत्व पाए जाते हैं। केरल के पूर्वी भागों में चीनी मिट्टी, ग्रेफाइट और फिर चूना पत्थर पाया जाता है केरल के पूर्वी हिस्से में। आगे 31वां प्रश्न है, केरल के प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र जो है वह है अलवाय, तिरपुरा, पुन्नालूर, कोझिकोड। अब इसमें से जो महत्वपूर्ण है, पुन्नालूर वह कागज उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? तो कागज उद्योग के लिए। अलवाय जो है वह एल्युमिनियम तत्व के कारखाने के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। तो अलवाय जो है एल्युमिनियम कारखाने के लिए प्रसिद्ध है और पुन्नालूर कागज कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। कहता है कि केरल के ग्रामीण क्षेत्र की आबादी जो है प्रति किलोमीटर स्क्वायर यानी एक किलोमीटर में जो है 2000 से लेकर 4000 तक व्यक्ति पाए जाते हैं। 2000 से लेकर 4000 तक व्यक्ति प्रति किलोमीटर स्क्वायर में केरल में
ग्रामीण क्षेत्रों में पाया जाता है। ग्रामीण क्षेत्रों में हाउस बोट कश्मीर का प्रसिद्ध है। हाउस बोट कहाँ का प्रसिद्ध है? तो कश्मीर का प्रसिद्ध है, हाउस बोट कश्मीर का प्रसिद्ध है। परंतु हाउस बोट केरल में भी अधिक मात्रा में मिलती है। आगे है कि जबकि केरल में भी हाउस बोट का प्रयोग अधिक मात्रा में की जाती है। केरल में लैंगूर झील खूब मिलते हैं, लैंगूर झील जो है खूब मिलते हैं, ठीक है। केरल में जो है भोजन केले के पत्ते पर परोसा जाता है, केले के पत्ते पर परोसा जाता है। आगे है केरल के खाद्य व्यंजन के रूप में चावल, इडली, डोसा, सांभर, पुट, उत्पम और उत्पय और अप्पम, मछली, नारियल की बनी वस्तु और साथ ही साथ समुद्री उत्पाद से बने सामग्री का वह मनोरंजन लेते हैं, यानी वह भोजन को ग्रहण करते हैं। केरल की महिलाएं साड़ी, पेटीकोट, सूट के साथ साथ साड़ी ब्लाउज के साथ वह सोने के गहने पहनना पसंद करता है। आगे है 40वां और अंतिम प्रश्न इस अध्याय का है कि केरल के पुरुष जो है कमीज, लुंगी और मुंडबद पहनते हैं। तो केरल से संबंधित ये प्रश्न एक लाइनर प्रश्न था। हमारे साथ जुड़े रहे, इसी तरह का वीडियो अब लगातार आपको शेयर किया जाएगा और आनंद लें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।